जवाब नहीं। औलाद की पांच किस्में हैं, यहां बैठे बैठे तय कर लीजिएगा कि मैं इस वक्त किस किस्म से हूं। पहली किस्म, वालिदैन जो कहते हैं वो करते नहीं, ये नाफरमान औलाद है। नाफरमानी की सजा क्या है? सिर्फ तीन सजाएं याद रखिएगा। पहली सजा, पूरी जिंदगी सजदे में पड़े रहें, ना उनके फराइज कबूल ना नवाफिल कबूल। दूसरी सजा, अल्लाह की नजर रहमत से महरूम, अल्लाह उनको पाक भी नहीं करेगा। तीसरी सजा, सलासतुन कद हर्रम अल्लाहु अलैहिमुल जन्ना, तीन ऐसे बदबख्त है जिन पे जन्नत हराम है अगर तौबा नहीं करते। वल आक, उनमें एक नाफरमान बेटा है। औलाद की दूसरी किस्म, बात मानते तो हैं जैसे वालिदैन कहते हैं, लेकिन दिल की खुशी से नहीं। मजबूरी क्या है? मार पड़ेगी, घर से ना निकाल दें। फहाउला इला युजरून, ये काम करें भी तो अजर नहीं मिलेगा। यफशा अलैहिम, डर है कि अजर से महरूम है। औलाद की तीसरी किस्म, काम तो करते हैं साथ दुख भी देते हैं। बात मानी और साथ एहसान जतलाया, तकलीफ दी, क्या कहा? मैंने आपकी वो बात नहीं मानी थी, मैंने आपका ये काम नहीं किया था, उस वक्त भी मैं आपके ये खर्च नहीं किया था। फहाउलाइयुज़रून, ये लोग काम करने के बावजूद नेकी नहीं गुना लेते। औलाद की चौथी किस्म, जो वालिदैन कहते हैं वो करते तो हैं, दिल की खुशी से कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अल्लाह ने अपने वालिदैन का एक हक तो पूरा करवाने की तौफीक दे दी। ये हैं जिनको अल्लाह ताला अजर और सवाब से नवाजेगा। पांचवी औलाद, अल्लज़ीन यफ़अलून मा युरीदुहुल वालिदैन, वालिदैन कहते नहीं, वालिदैन की ख्वाहिशात होती है नेकी की, बुलंदी की, रिफअत की, कहने से पहले जो औलाद उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर दे, यही औलाद अल्लाह की हाँ सबसे बुलंद मुकाम हासिल करने वाली है। सोचिए, इन पांच औलादों में से हम किस औलाद में से हैं, हर शख्स पहचान सकता है। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई और बहनों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कुरान पाक की आयतों को मोबाइल से व्हाट्सएप से सेंड मत करना, क्योंकि वो मैसेज डिलीट हो जाते हैं। और कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि मुसलमान अपने हाथों से खुद कुरान को मिटाएगा, और ये मैसेज सबको सेंड करना। दुआ की दरख्वास्त। आसमान से पत्थरों की बारिश। जी हाँ, कई हदीसों में लिखा है कि जब जुल्म बढ़ जाएगा, ज्यादती बढ़ जाएगी और कयामत बहुत नजदीक होगी तो आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगेगी। वरकातुहू, आप हजरात जो ये बारिश देख रहे हैं, बारिश के साथ में आसमान से पत्थर बरसते हैं, कोई कंप्यूटराइज कोई चीज नहीं है, ना कंप्यूटराइज है, बल्कि कुदरत का अल्लाह का अज़ाब है। जो मुसलमान अपने अमल से हट जाएगा, ईमान अमल को छोड़ेगा, तो हदीस पाक में अल्लाह ने फरमाया कि आसमानों से पत्थर बरसेंगे, और ये बारिश तुर्की के अंदर हो रही है और इसमें साथ में पत्थर बरसे। जरा गौर से देखें इसे। अस्सलाम वालेकुम, हर मुसलमान को शेयर करें, पहुंचाएं कि ईमान और अमल पे आ जावे, अल्लाह के हुक्मों पे अपनी जिंदगी गुजारें, नमाजों की पाबंदी करें। आज मुसलमान 95% मुसलमान नमाज को छोड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं। जब नमाज को छोड़ देगा ईमान वाला, अमाल को छोड़ देगा, तो आजाब आएंगे, आसमानों से पत्थर बरसेंगे। ये अल्लाह के नबी की हदीस है, हर मुसलमान तक इसको शेयर करें, जरूर पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम। शेख मालूम देश मालिकियों में जिन यातन अब्दुवाई यातन स्टेन रजुना सुलातुल मुस्तकीमा।
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبدل تهولا وعاد العشم الجميع يلد ولم يولد ولو تر لا تفهم أحد التعديل اتعيتهم وبلتات سلاوات تطيبات للاي كده. स्कूल की नई टीचर ने अब तक शादी नहीं की थी। क्लास की लड़कियां इस पर उनका मजाक उड़ाने लगी। टीचर ने नाराज होने के बजाय क्लास की लड़कियों को एक कहानी सुनाई कि एक औरत की 5 बेटियां थीं। शौहर ने बीवी को धमकी दी कि अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई तो वो उस लड़की को बाहर सड़क पर फेंक आएगा। लेकिन किस्मत से छठी भी लड़की पैदा हुई। शौहर ने बच्ची को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौराहे पर रखाया। माँ अपनी ममता से मजबूर पूरी रात नन्ही सी जान के लिए दुआ करती रही। सुबह उसका शौहर जब चौराहे से गुजरा तो देखा उसकी बच्ची वहीं पड़ी है। शौहर बच्ची को वापस घर ले आया लेकिन दूसरी रात फिर चौराहे पर रखाया। रोज यही होता रहा। हर बार वो बच्ची को बाहर रखाता और जब कोई ना लेकर जाता तो मजबूरन उसे वापस उठा लाता। यहाँ तक कि बच्ची का बाप इसको खुदा की रजा समझकर राजी हो गया। इस आदमी को अल्लाह ताला ने छठी बेटी के बाद 5 बेटों से नवाजा लेकिन हर बेटे के बाद उसकी बेटियाँ फौत होती गईं। यहाँ तक कि सिर्फ एक ही बेटी जिंदा रही जिससे बाप जान छुड़ाना चाहता था। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए, माँ फौत हो गई। टीचर ने कहा, वो बच्ची जिसे उसका बाप बाहर सड़क पर रखाता था वो मैं हूँ और मैंने अब तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो गए हैं। वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और मेरे अलावा उनका कोई नहीं जो उनकी खिदमत कर सके। और वो 5 बेटे कभी कभी आकर अपने बाप का हाल चाल पूछ जाते हैं। मेरे वालिद अक्सर रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ करना। मैं बहुत शफकत से उनसे कहती हूँ, बाबा देखें अल्लाह ताला ने मुझे आपके लिए जिंदा रखा ताकि मैं आखिरी दम तक आपकी खिदमत करके अपनी आखिरत सवार सकूं।